नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा बेबर में 2 दिन पूर्व एक अनियंत्रित बुलेरो कार ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। आपको बताते चले कि बेबर थाना क्षेत्र के ग्राम नगला रमई निवासी 45 वर्षीय ब्रजेश पुत्र रामस्वरूप बेबर थाना में होमगार्ड के रूप में तैनात थे। बीती रात उसकी ड्यूटी बेबर इटावा स्थित ग्राम बरा पर लगी थी। तभी रात लगभग 1:30 बजे बुलेरो चालक यूपी संख्या 84F8687 के चालक ने तेजी पर लापरवाही से चलाते हुए होमगार्ड ब्रजेश को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर एसटीएम भोगांव, पीसीआर, सीओ भोगांव प्रियांक जैन, इंस्पेक्टर बेबर व इंस्पेक्टर भोगांव फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री। क्या नाम है आपका? सतवीर यादव। सतवीर, ये बताइए क्या घटना हुई है बेबर में? ये बेबर ट्रक चालक रास्ता पूछ रहा था ग्वालियर जाने की, उधर कुसमरा की तरफ से आती हुई बुलेरो तेज गति से और टक्कर मार दी, उस स्पॉट उनकी मौत हो गई।